नमस्कार, मैं सीमा त्रिपाठी और मेरे चैनल इजी लाइफ बी सीमा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज है ईद का दिन, तो आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऊपर वाला आप लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे और सुरक्षित रखे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। इसी दुआ के साथ मैं आज का ब्लॉग आज स्टार्ट करूँगी। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ है, क्योंकि आज के दिन जो है हमारे परशुराम जी का भी जयंती है, तो उनके लिए भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6:30, क्योंकि इसी समय मैं छत पे आती हूँ, आप लोगों को मालूम है। तो अभी 6:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ, हवा थोड़ा अच्छी चल रही है, लॉकडाउन में एकमात्र छत ही हम लोग का सहारा है। अजान फिर हो रहा है इस समय, आपको सुनाई दे रहा होगा, तो हम लोग के घर से के सामने से ही बहुत ही साफ सुनाई देता है। तो मैं छत पे बैठी थी, तो मैं सोची आज अपना ब्लॉग यहीं समय स्टार्ट करती हूँ। सुबह से मुझे समय नहीं मिल पाया था, तो इसलिए मैं अपना ब्लॉग नहीं स्टार्ट की थी और कुछ खास नहीं था दिखाने को। तो अब मैं आपसे लेकर के रात तक की रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आज देखिए खाने में मैं क्या बनाती हूँ, कुछ खास नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इस समय सबकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, तो बहुत स्पाइसी भोजन जो है इस समय हम लोग नहीं बना रहे हैं। सादा सब्जियाँ वगैरह जो भी है वो सादा ही मैं बनाती हूँ, वो बिना मसाले की। तो आप लोग भी बिल्कुल सादा भोजन कीजिए और फल वगैरह जूस वगैरह लीजिए, और इसी से हम इस बीमारी से जो है बच पाएंगे। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कि आँख खुलते ही क्या खबर मिलने वाली है ये हम भी नहीं जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें अब डर लगने लग गया है कि क्या खबर आने वाली है। तो भगवान जल्दी से इस विपदा से हम लोगों को उबारे और जल्दी से अच्छे दिन आए हमारे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अब दिल घबराने लगा है इस बीमारी से, इस महामारी से। हम लोगों को अब कोई भी त्यौहार, कोई भी पूजा वगैरह कुछ भी पता अब नहीं चल। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगी कि अगर आपके पास इतनी सामर्थ है कि आप दूसरों की मदद कर सकें, तो प्लीज़ आप लोग दूसरों की मदद कीजिए और उन्हें इस मुसीबत से निकालने में उनकी सहायता कीजिए, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक सारे स्तर हमारे गिर गए हैं इस समय। इसी में बहुत लोग अपना भी रोटी सेकने लग गए, इतने भयानक माहौल में भी बताइए, सब लोग अपना अपना रोटी सेकने में लगे हैं। तो मैं उन लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप लोग सहयोग कीजिए, जो लोग अस्पताल में हैं उनको पैसे से और जिस चीज़ से आप उनके सहयोग कर पाएँ करिए। और इस समय को जो है इस समय से निकलने में उनकी मदद कीजिए। तो बहुत सारी बातें आपसे करनी थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, इतना मैं डर गई हूँ अंदर से कि मैं क्या क्या करती हूँ। और काढ़ा वगैरह भी आज बनाऊंगी। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं अनुराधा पांडे, जो बहुत ही अच्छी बिटिया है मेरी, बहुत ही पुरानी सब्सक्राइबर हैं और हमेशा मेरे वीडियो को पसंद करती हैं और देखती हैं। तो मैं उनके डिमांड में ही आज काढ़ा का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। नीचे जाऊँगी तो काढ़ा की रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे तो हमारे यहाँ रोज़ हम लोग काढ़ा बना के पीते हैं, लेकिन आज मैं उनके कहने पर काढ़ा बनाऊँगी। वैसे मेरे चैनल पर काढ़ा का वीडियो ऑलरेडी है, तो अगर आपको देखना हो तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। उसमें मैं सारी चीज़ डाल करके और अच्छे से काढ़ा बनाई हूँ, वही काढ़ा मैं रोज़ बना करके और हम लोग सुबह शाम वही ले रहे हैं। इसी से थोड़ा सा हम लोग सुरक्षित हैं। और अगर आपको आप बीमार हैं या ना हैं, तो भी आप काढ़ा और भाप दोनों ज़रूर लीजिए, क्योंकि इस समय मौसम में जो है इसी से हमारा भला हो सकता है। क्योंकि बहुत ही माहौल में अभी समय बीमारी फैल गई है, तो शाम को मैं, रात में मैं आपसे काढ़ा का रेसिपी शेयर करूंगी। इसके बाद मैं और भी जो कुछ करूंगी वो आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटी को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए, और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ मुझसे जुड़ जाइए। मैं आपको आगे लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाऊँगी, क्योंकि अभी तो मैं बाहर निकल नहीं सक रही हूँ। तो उसके बाद मैं लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद फिर मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो ला के दिखाऊँगी। तो तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए इजाज़त दीजिए, मैं भी थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मैं नीचे आ गई हूँ और मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, मैं
ये आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर ये कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये कटहल की सब्ज़ी है। और ये देखिए नीचे आटा रखा है, इसको मैं गूंदूँगी और रोटी बनाऊँगी। और ये देखिए ये थोड़े बर्तन पड़े थे तो मैं धुल ली हूँ, क्योंकि बर्तन धुलने वाली जो आंटी हैं वो इस समय मैं उनको रोक दी हूँ। तो ये सब काम अभी मैं करने जा रही थी, तो मैं इसको काम कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं देखिए ये रोटी सेक लेती हूँ, क्योंकि अब खाना खाने का समय हो गया है। तो मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ सेक ले रही हूँ। मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, आपको बताया था, तो कोई कुछ खास नहीं था। मैं दो प्याज़ा कटहल की बनाई थी, तो उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है अपने वीडियो में, तो इसलिए मैं उसको आपको नहीं दिखाऊंगी। तो मैं अब जल्दी से रोटी सेक करके और मैं खाना सबको दे देती हूँ। तो सब लोग खाना खा रहे थे, तो अब मेरा रोटी सिक गया था, तो मैं जल्दी से इसी समय किचन पहुँच लेती हूँ, ताकि जो है आगे काम मेरा सब समेटा हुआ रहे। तो मैं जल्दी से किचन पहुँच करके और जो थोड़े सारे बर्तन होते हैं उनको धुल लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं जाकर खुद भी खाना खा लेती हूँ, क्योंकि इससे हमारा काम निपटा रहता है, सुबह हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। किचन थोड़ा सा हल्का सब गीला कपड़ा करके एक बार मैं और पोंछ लेती हूँ बस, उसके बाद हम खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सुबह ज़्यादा समय नहीं होता है हमारे पास, तो इसलिए इतना टाइम का काम इतना ही टाइम पूरा कर लिया जाए। तो किचन पहुँचने के बाद मैं आप लोगों के साथ काढ़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि कैसे मैं काढ़ा की रेसिपी, देखिए मेरा किचन एकदम साफ़ हो गया है। तो चलिए काढ़ा का रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है देखिए, ये गिलोय है, ये बहुत ज़्यादा जुखाम के लिए फ़ायदा होता है। ये काली मिर्च है देखिए 10 से 15, और ये लौंग है 5, और ये अजवाइन, ये लौंग है देखिए, और ये है अदरक 1 टुकड़ा, और ये अजवाइन है पेट के लिए, और ये हल्दी है, और ये दालचीनी है। इसमें आप बड़ी इलायची भी ले सकती हैं, मेरे पास इस समय बड़ी इलायची नहीं थी तो मैंने नहीं डाला है इसमें। और ये काढ़ा जो है ये कोरोना के लिए बिल्कुल रामबाण है। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोरोना से बचना है, तो इसको आप सुबह शाम दोनों टाइम ज़रूर लीजिए, चाहे आपको इसका टेस्ट अच्छा लगे या ना लगे। तो मैं तो इसको जो है बच्चों को जब देना होता है तो इसमें गुड़ डालती हूँ, वरना मैं बिना गुड़ का ही इसको, तो देखिए मैं इसको कूट ले रही हूँ, बिना गुड़ का ही पीती हूँ। तो 1.5 कप पानी मैं देखिए डाल रही हूँ, और 1 कप इसको मैं बनाऊँगी। इसका आधा हमको जलाना है पूरा, और ये सब चीज़ें मैं डाल दूँगी, और मीडियम फ्लेम में, गैस का जो फ्लेम होगा वो मीडियम हो जाएगा, और इस उसी में मैं इसको धीरे धीरे पकने दूँगी, कम से कम 20 मिनट। उसके बाद सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दे रही हूँ, ताकि ये अच्छे से पानी में इसका सारा स्वाद मिल जाए। और उसके बाद फिर ये देखिए धीरे धीरे पकेगा, देखिए ये पक गया, ये आधा हो गया है। तो ये मेरा काढ़ा बिल्कुल तैयार है। हम लोग तो इसी तरह पी लेते हैं, लेकिन अगर आपको टेस्ट नहीं इसका अच्छा लग रहा तो इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, इससे टेस्ट आपका पीने में अच्छा लगेगा और स्वाद भी ठीक लगेगा थोड़ा सा। लेकिन अगर इसको आपको स्वाद बच्चों को नहीं पसंद है, तब भी इसको बच्चों को दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, देखिए 1.5 कप जो मैं बनाई थी वो 1.5 कप हुआ है। तो इसी तरह से हम इसको बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ इसको पीने के लिए, और आपको ये काढ़ा का रेसिपी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपको अच्छा लगे या ना लगे स्वाद में, इसको ज़रूर आप पीजिए सुबह शाम, ये आपको कोरोना महामारी से ज़रूर रक्षा करेगा। तो ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, तो इसलिए मैं इसको करूँगी द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो रात बहुत हो चुकी है, तो अब मैं इसको पी करके सो जाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नमस्कार।